सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एन इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड एन इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड टू डीसी मोटर बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क फाइन स्पीड कंट्रोल है सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा था ना कि इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा यूज होती है। अब इंडक्शन मोटर की खासियत क्या है, चाहे इसे आप समरसेबल पंप में जमीन के अंदर गाड़ दो, पानी की मोटर के खूब फैला फैला के इस्तेमाल करो, कूलर के अंदर रख दो, कहीं पे भी लगा दो, ये हमेशा काम करेगी कितना भी टूट फूट हो जाए। ठीक, ये है आपकी सिंपल एंड रग्ड मोटर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। द एयर गैप बिटवीन स्टील एंड रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन, तो वो सेंटीमीटर में तो कभी होता ही नहीं है, ये होता है बेटा एमएम में। व्हेन द रोटर इज ब्लॉक द स्लिप इज ब्लॉक, मतलब रोका रखा है तो स्लिप कितनी हो जाएगी, वन। फुल लोड स्लिप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, तो बेटा जो स्लिप होती है ना वो दो से मिनिमम 10% के बीच के लाई करती है, 10% के अंदर। तो क्या आंसर लगा दोगे, 2-3%। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फील्ड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देखो ये और ये स्पीड कंट्रोल करता है, ये भी स्पीड कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या होगा, फेज सीक्वेंस। अब बढ़ते हैं आगे। द एडवांटेज ऑफ वाउंड रोटर मोटर इज दैट इट इज इनएक्सपेंसिव, भाई महंगा आता है गलत हो गया, इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, नहीं स्लिप रिंग हो गई इसमें, थ्री फेज वाइंडिंग हुई भी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन रोटर सर्किट, दैट इज द एडवांटेज। तो क्या होगा आंसर, सी। ए वाउंड रोटर इज मेनली यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, यस। स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, वो दोनों में ही मिल जाएगा, लेस कॉस्टली, नो हाई रोटर रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रनिंग, तो वो मेन रीजन है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। रनिंग कंडीशन में हमें हाई स्टार्टिंग हाई रोटर रेजिस्टेंस नहीं चाहिए क्योंकि कॉपर लॉस ज्यादा होंगे, तो क्या होगा इसका आंसर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। द टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ, तो भाई किसके सिमिलर होती है चेक करते हैं, कैसा है आपका ऐसे करके, अगर इसे मैं ये था टी ये था एन, तो अगर बेटा मैं इसे एन इधर करूँ टी इधर करूँ तो ये कैसा मिल जाएगा, ये बढ़ रहा है ऐसे करके कुछ इस तरीके से करके, तो ये किसका था बेटा, ये क्यूमुलेटिव का था ऐसे करके कुछ क्यूमुलेटिव का था, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव मोटर। अगला आता है आपका ए वाउंड रोटर मोटर, द रोटर वाइंडिंग इज वाउंड फॉर पोल्स, भाई जितने स्टेटर पे होते हैं उतने ही रोटर पे होते हैं, इक्वल टू वाउंड रोटर मोटर लेस एक्सटेंसिवली यूज्ड देन स्क्विरल केज मोटर बिकॉज, हाँ कम यूज करते हैं, स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड ऑन द रोटर सर्किट, एक राउंड रोटर वाइंडिंग्स आर जनरली स्टार कनेक्टेड, दे आर कॉस्टली, दिस इज द मेन रीजन, मेंटेनेंस ज्यादा है और कॉस्ट ज्यादा है। ए फोर पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट 5% स्लिप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या हो जाएगा एफ एस एफ, एफ टू प्लस टू एस एफ, तो ये कितना हो गया 5.05 × 50, तो कितना हो गया 2.5, इट इज द करेक्ट आंसर। द रिएक्टेंस ऑफ द रोटर सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम एट, अब रोटर का रिएक्टेंस क्या था एस एक्स टू डैश, तो स्लिप की वैल्यू 1 होगी तभी तो मैक्सिमम मिलेगा, स्लिप की वैल्यू कम 1 कब होती है स्टार्टिंग में, ये मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका द रिएक्टेंस, तो हो गया हाँ एट एट स्टार्टिंग रोटर रिएक्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रोटर रिएक्ट इज, हाँ एट स्टार्टिंग रोटर रिएक्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, लार्ज कंपेयर टू रोटर रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है द स्लिप ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इंक्रीजेज द पावर फैक्टर ऑफ रोटर सर्किट, तो आपको बताया मैंने बताया भी था, हाँ हाँ देखिए 1- ऐसा आया था, आउटपुट रियल पावर बढ़ रहा है तो आपका पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, तो ये क्या आएगा बेटा इज एज स्लिप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इंक्रीज पावर फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा घट जाएगा क्योंकि 1- वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी ऑब्टेंड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय, ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी ऑब्टेंड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय इंक्रीजिंग रोटर रेजिस्टेंस, यही मिल गया खत्म।
under running conditions, the maximum torque of a three-phase induction motor will occur at that value of slip at which rotor resistance per phase is equals to बराबर होते हैं ठीक समझ में आया ना तो वाई अंडर रनिंग कंडीशंस द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ थ्री फेज विल अकर एट द वैल्यू ऑफ स्लिप एट व्हिच रोटर रिएक्टेंस पर फेज इज इक्वल टू रिएक्टेंस पर फेज तो ये तो हो जाएगा बेटा आपका स्टार्टिंग में पूछा है बेटा इसमें रनिंग में ठीक तो अंडर रनिंग कंडीशंस द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर विल अकर एट दैट वैल्यू ऑफ स्लिप एट व्हिच अदर स्लिप की वैल्यू क्या होती है रनिंग कंडीशन में लेस देन वन होती है तो ये फॉर्मूला क्या होगा आपका आर टू डैश बाय एक्स टू तो आप देख सकते हो तो वन से कम होगा तो क्या होगा एक्स टू ज़्यादा होगा ठीक तो रोटर रिएक्टेंस तो इसमें ये मिलता है हमें मैक्सिमम टॉर्क नियर अबाउट 0.2 तो ये इसका आंसर होगा बेटा फोर टाइम्स क्लियर ये होगा आपका फोर टाइम्स अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज टू टाइम्स देन टॉर्क इज वी प्रोपोर्शनल था क्या हो जाएगा फोर टाइम्स बस ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिजाइन दैट रोटर शुड हैव भाई रनिंग कंडीशन में लो रेजिस्टेंस होना चाहिए इफ एन एस एंड एन आर द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड एंड रोटर रेस्पेक्टिवली देन रेशियो ऑफ पावर इनपुट रोटर में इनपुट एजी रोटर का आउटपुट डेवलप्ड ये क्या था 1/(1-S) तो एन आर इक्वल्स टू 1-S/(NS) तो क्या हो जाएगा NS/NR इक्वल्स टू 1/(1-S) तो क्या आ गया आंसर बी एट नो लोड द रोटर कॉपर लॉस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज नो लोड भाई लोड नहीं लगा रखा तो आउटपुट क्या होगा जीरो तो जितना भी एनर्जी होगा किसमें वेस्ट होगा रोटर के अंदर तो क्या आएगा लार्ज ठीक क्योंकि हम आउटपुट नहीं ले रहे कुछ भी अगले क्वेश्चन पे आते हैं इन ए स्क्रल केज मोटर इन ए स्क्रल केज रोटर द बार्स आर नॉट प्लेस्ड पैरेलल टू द शाफ्ट बट स्क्यू टू हैव भाई इनमें से तो कोई नहीं मिल रहा मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो नहीं होता यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं होता लेस रोटर लॉस नहीं होता क्या है नन ऑफ दीज इफ द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग तो आप एक चीज देखिए स्टार्टिंग करंट ज्यादा होती है तो स्लिप ज्यादा होती है जब घूम लग जाता है तो स्लिप कम होती है तो करंट कम हो जाती है तो क्या आएगा इंक्रीजेस इफ स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस द करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग इज इंक्रीज्ड ये आ गया ए फोर स्पीड स्क्रल केज इंडक्शन मोटर यूजेस अब फोर स्पीड मतलब इसमें चार स्पीड मिलेंगी अब वाइंडिंग पूछा है तो चार होंगे तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा पोल चेंजिंग मेथड इन ए डबल केज में क्या होता है आउटर केज का रिएक्टेंस ज्यादा होता है लोअर केज हैज लो रिएक्टेंस गलत हो गया आउटर केज हैज गुड पावर फैक्टर लोअर केज इज मोर इफेक्टिव ठीक तो उसमें होता क्या है डबल केज में आउटर का रिएक्टेंस ज्यादा होगा आउटर केज हैज लो रिएक्टेंस तो ये गलत हो गया आउटर का क्या होगा बेटा कम होगा एक्स आउटर का एक्स क्या हो गया कम हो गया लोअर केज इज मोर इफेक्टिव नहीं इसमें तो लॉसेस ये इतना पावर को हैंडल नहीं करता तो आउटर केज हैज गुड पावर फैक्टर क्योंकि आउटर केज का एक्स क्या है बेटा कम और आउटर केज का एक्स कम है करंट किससे फ्लो होती है तो इसमें होता क्या है बेटा लॉसेस ज्यादा होते हैं तो ये भी गलत हो गया आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज ठीक अगले क्वेश्चन पे आते हैं एट स्टार्टिंग ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर
at starting of double cage induction motor, lower cage has low reactance galor, outer cage has good power factor at starting, lower cage is more effective. तो अब ये ठीक हो जाएगा, आउटर केस हैज गुड पावर फैक्टर, स्टार्टिंग में इसका अच्छा होता है पावर फैक्टर क्योंकि यही मेन घुमाता है. इफ द रोटर स्लॉट्स आर मेड डीपर द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग बढ़ जाएगा, यही हम चाहते थे. इन ए स्क्विरल केज रोटर द नंबर ऑफ रोटर बार्स इज जनरली, टाइम नंबर लेके चलते हैं, कॉगिंग ना हो. फॉर द सेम केवी रेटिंग द लीकेज फ्लक्स इन द इंडक्शन मोटर, भी एयर यूज करते हैं तो ज़्यादा ही होगा. थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू सप्लाई नॉर्मल वोल्टेज, द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन स्लिप रिंग्स एट स्टैंडस्टिल, तो स्टार कनेक्टेड होती है तो क्या आएगा, 72/√3 पर फेज. और कितना दे रखा है, 0.5, कितना हो गया 0.25, 3.5 का आप स्क्वायर कीजिए कैसे, 9 प्लस 0.25 3 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर 2, 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, तो कितना गया 12.25, हो गया आपका 12.25, ये हो गया आपका 12.5 का रूट लोगे बेटा आप, तो वो 3.5 करीब ही आएगा, तो 3.5 72 डिवाइड बाय 0.866 तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3.5 मान लीजिए. ये हो जाएगा आपका 1/√3, ये होगा आपका 3.5, 1.732, तो ये हो जाएगा आपका 17 का आधा कितना हो गया बेटा 8, तो 60, तो 60 यानी कि 60 डिवाइड बाय 72, तो ये आंसर होगा 11.76. ठीक, तो अगले पे आते हैं हम. ए 12 पोल थ्री फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर रन एट 600 वोल्ट 50 हर्ट्स, इट हैज ए रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.03 एंड स्टैंडस्टिल इलेक्ट्रिकल करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, तो क्या जाएगा आपका, एस इक्वल टू x2 upon x2, तो ये निकल के आएगा बेटा आपका 0.03 डिवाइड बाय 0.5, तो कितना आएगा 6%. एन 8 पोल 50 हर्ट्ज थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैज एन इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.07 ओम पर फेज, इफ इट्स स्टॉलिंग स्पीड इज 630 RPM, what is rotor reactance per phase? तो इसमें कहा गया है स्टॉलिंग स्पीड यानी कि ब्रेक डाउन स्पीड जिस पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है. तो स्लिप निकालना पड़ेगा आपको, एस पी कितना आ गया यहाँ से आपका 8 पोल 750 का, तो ये हो जाएगा 120/750, ठीक. ये हो जाएगा आपका 6 से काटा, 2 बार गया 6 से, ये भी नहीं जाएगा 4 से, 3 से करता हूँ, ये गया 4 बार, ये गया 25 बार, 100 से कर दो चलो, ये गया 4 बार, ये आएगा 0.16, ये जाएगा 0.016, 100 ऊपर किया 100 नीचे किया, 4 बार गया 16 हो जाएगा आपका 0.16. कभी ब्लू कैसे आ जाता है, रिपीट करता हूँ कैसे किया मैंने, ये 120 से ये कट गया, ठीक. ये आ गया 12/75
तीन से काटो 25 बार, ये गया आपका 4 बार 100 से ऊपर 100 से नीचे, ये गया बेटा आपका 4 बार कितना हो गया 16, ये आएगा 0.16 इक्वल्स टू आर टू अपॉन एक्स टू। तो बेटा इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स टू इक्वल्स टू आर के अंदर रखा 0.07। और चलो काटने की इसमें जरूरत ही नहीं थी, गलत कर दिया मैंने। हाँ चलो 4/25 था, ये आ जाएगा बेटा आपका यहाँ 25/4 कितना हो गया 25 × 6 = 150, 175/4 कितना हो जाएगा 1.75। 175/4 कितना होगा आपका, ये होता है 180 होता है बेटा 45 पे, तो ये होगा इसका आंसर ए। ठीक, तो ये आप अप्रोक्सीमेशन ऐसे बैठा सकते हो। द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर, इससे तो कैन नॉट बी ग्रेटर, इससे तो ज्यादा होती ही नहीं है। द नो लोड स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन बोथ ए एंड बी, इस पर तो डिपेंड नहीं करती। द इंडक्शन मोटर हैज लैगिंग पावर फैक्टर ड्यूरिंग, भाई सभी में ही लैगिंग होता है इसका, बोथ वोल्टमीटर गेस 120 ऑसिलेशन पर मिनट व्हेन कनेक्टेड टू रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, एफ दे रखा बेटा 50। तो रोटर रोटर के ऑसिलेशन रखे हैं, तो एफ आर कितना जाएगा, एफ टू एफ टू कितना जाएगा बेटा आपका 120 ऑसिलेशन पर मिनट है, तो 60 आ गया, तो कितना आ गया 2 हर्ट्ज। तो एस की वैल्यू क्या आ गई 2/50 × 100, दो बार गया तो आ गया आंसर 4। द रोटर पावर आउटपुट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 15 kW, द रोटर कॉपर लॉस ऑफ ए स्लिप ऑफ 4%। तो चेक करते हैं इसे, कॉपर लॉसेस आउटपुट पूछा है, यानी कि क्या करना है हमें, पी डी अपॉन पी आर इक्वल्स टू 1 - S/S, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.96/0.04 हटाया 24 × 15, तो 24 × 15 = 60, 6 आ गया, 15 × 36, तो आ जाएगा आपका 0.96। तो ये कितनी बार जाएगा बेटा 24 बार, 3 से काट सकता हूँ 8, 5 8 × 48, ठीक 8 × 48 2 625 आएगा क्योंकि 6.25। ठीक, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ एन इंडक्शन मोटर इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, एयर गैप इंक्रीज हो गया तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, एयर गैप इंक्रीज होता है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट ज़्यादा चाहिएगी, करंट ज़्यादा चाहिएगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला जो करंट है वो होता है मैग्नेटाइजिंग, तो क्या कर देगा पावर फैक्टर को रिड्यूस कर देगा, क्यों आप रिएक्टिव पावर ज़्यादा ले रहे हो क्योंकि फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज, ये भी गलत हो गया। द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर एफिशिएंसी ऑफ पावर फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी ध्यान रखिएगा, द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, भाई म्यूचुअल इंडक्शन होना चाहिए, लेंस पर टिक मत कर देना, हाँ ठीक है म्यूचुअल इंडक्शन पे आएगा आंसर। द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी, भाई स्पीड बढ़ रही है तो आउटपुट भी आपका बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप कह सकते हो इन जनरल क्या था आपका 1 - S, स्पीड बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा कम, तो ये वैल्यू क्या होगी बढ़ती जाएगी, तो आप कह सकते हो इंक्रीजेस।
The rotor of a three phase induction motor, the rotor of a three phase induction wound rotor is to provided with, अच्छा अच्छा हाँ, तो ये कहा है कि वाउंड रोटर पे होता क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग या सिंगल फेज वाइंडिंग। थ्री फेज वाइंडिंग सिमिलर टू द स्टेटर, सिक्स पोल 50 हर्ट्ज वाउंड रोटर व्हेन सप्लाइड एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विद स्लिप रिंग्स ओपन सर्किट डेवलप्स 100 वोल्ट बिटवीन एनी टू स्लिप रिंग्स। इफ द रोटर इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल मीन्स एट 1000 आरपीएम अपोजिट टू दैट ऑफ स्टेटर फील्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग्स। ओहो ये कहा है एनआरपी वैल्यू रखी है माइनस 1000 अपोजिट से घुमा रहे हैं। एनएस कितना है आपका, एनएस चेक करते हैं, एनएस 6 पोल 50 तो 1000 आएगा, तो दोनों ही सेम है 1000 प्लस 1000 अपॉन 1000 तो डबल निकल गया, ये आ जाएगा आपका 100 हर्ट्ज। ये आ गया आपका एस, एस कितना आ गया 2, तो एफ 2 क्या, एफ आर क्या हो जाएगा, एफ 2 क्या हो जाएगा 2F 100 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडक्शन मोटर हैज ए रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.002 पर फेज द मैक्सिमम टू इंक्रीज द देन द मैक्सिमम टॉर्क विल। तो ये रोटर रेजिस्टेंस टॉर्क पर डिपेंड नहीं करता, रिमेन अनअल्टर्ड। एन इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड ऑन लोड डज नॉट एक्सेलरेट अप टू फुल स्पीड बट रन्स एट 1/7। भाई ये तो बताया था मैंने, क्रॉलिंग होता है। द स्टेटर ऑफ 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर फेड फ्रॉम 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई विच कंटेन्स ए प्रोनाउंस्ड फिफ्थ हार्मोनिक, द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फिफ्थ हार्मोनिक। तो अब हमने आपको बताया था जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है वो अपोजिट रन करता है, तो पहले इसमें निकालते हैं आप एनएस, एनएस कितना है आपका, हाँ एनएस कितना है आपका इसमें 1000, 6 पोल है तो ns by 5 कितना आ गया बेटा 200, तो अपोजिट आएगा बेटा इसका 2000 कहीं दे रखा है, सिर्फ यहीं दे रखा है, एक्चुअल में माइनस 2000 होना चाहिए। इन एन इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, स्लिप का स्क्वायर नहीं होगा, स्लिप भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ तो स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है एक तरफ नहीं होता है, तो लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप होती है तब बड़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन इंडक्शन मोटर इफ वी रिमूव वन फेज फॉर इंस्टेंट टू टर्मिनल्स विल हैव वाई फेज एंड वन विल हैव बी फेज कॉल्ड। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें ये कहा है एक फेज को हटा दिया, सपोज कीजिए ए बी आर वाई बी है, आर को हटा दिया ठीक, तो जो दो फेज बचे वाई और बी, तो टर्मिनल तो तीन है तो उन पर दे दिया वाई ठीक, जैसे ए पे जा रहा है आपका आर, बी पे है आपका वाई, सी पे हो गया आपका बी, इसे हटा दिया, ए और बी पे क्या कर दिया है आपने वाई दे दिया है, तो ये एक टाइप का डायनेमिक ब्रेकिंग ही है, एक टाइप का आपका डायनेमिक ब्रेकिंग है। वन ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज स्टेटर करंट कंट्रोल, नहीं ये होगा बी वाई आप, ये ड्राइव में पढ़ते हैं बेटा हाई लेवल, बस नाम याद रखना। एडी करंट कंट्रोल, कोर लॉस कंट्रोल तो है ही नहीं है कोई नाम की चीज, स्टेटर करंट कंट्रोल होता नहीं है। अगला क्वेश्चन है इन स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज, द स्टार्टिंग वोल्टेज इज रिड्यूस टू, भाई रूट थ्री टाइम्स हो जाता है, सॉरी रिड्यूस टू नॉर्मल वोल्टेज ही आएगा, वन अपॉन रूट थ्री टाइम्स लगा है ना, इसलिए इस पर टिक करना, इसमें मत कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड इज फुल वोल्टेज DOL। तो ये था बेटा आपका अभी तक का इंडक्शन मशीन का समरी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।